नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शुक्ला पीवीआर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। अगर आप तीनों एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी है ये। 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। एक संख्या रेखा बनाना है और उस पर 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके दिखाना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी एक संख्या रेखा बनाएंगे, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ऐसे स्केल रख करके। मैं पेन से कर रहा हूँ लेकिन आप लोग पेंसिल से करिएगा और एग्जाम में भी पेंसिल से ही करिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब हम दो दो सेंटीमीटर पर नंबर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4 तो अगर बात करते हैं, देखिए 3.7, ठीक है, तो 3.7 कहाँ आएगा? 3 के बाद और 4 के पहले, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आएगा 3.7। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6, 7 अब हमें ये चीज पता चल गई कि 3 और 4 के बीच में ये आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है जूम करना। आप मोबाइल में जैसे जूम करते हैं बड़ा बड़ा दिखने लगता है, उसी तरह के से इस नंबर लाइन को जूम करना है, 3 और 4 को जूम करके बड़ा कर देना है। तो आइए 3 और 4 को जूम कर देते हैं। तो जब जूम कर देंगे तब हमें दिखेगा 3 और 4 के बीच में कि कहाँ है 3.7, कहाँ आएगा। सबसे पहले हम 3.7 देखेंगे कहाँ आएगा 3.7। तो मान लेते हैं ये क्या है, 3 है और ये क्या है, 4 है। ये नंबर लाइन आगे भी है। अब हम इसको जूम किए हैं, ये देखिए 3 और 4 को इसको जूम किए हैं लेंस लगा करके। ठीक है, 3 और 4 जब इसको हम जूम करेंगे, ये देखिए लेंस लग गया, इसको हम जूम करेंगे और 3.3 और 4 ये बन गया। अब इसमें हम 10 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3.1 होगा, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3.10 होगा, तो वो 4 बन जाएगा। तो अब देखिए 3.7 कहाँ आया, ये आया। ठीक है, हमारा नंबर क्या है, 3.76 है। तो 3.76 किसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, क्या बीच में आएगा, 3.76। तो अब हम इसको फिर से जूम करेंगे, यानी उत्तरोत्तर आवर्धन फिर से लगाएंगे, जूम करेंगे इसको। तो 3.7 और 3.8 को अगर जूम करेंगे, ठीक है, 3.7 और 3.8 को जूम करेंगे, जूम कर दीजिए, फिर से एक नंबर लाइन खींचिए और यहाँ पर लिखिए 3.7 और यहाँ पर 3.8। क्यों, क्योंकि 3.76 कहाँ आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो आइए देखते हैं, 3.7, 1, 2, 3, ये देखिए 3.7, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 3.7 6, 5 इसके इसके बीच में आएगा। फिर हम इसको जूम करेंगे
तो ये हो जाएगा 3.76 और 77 के बीच में 765 आएगा, तो इसको हम 3.76 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास नंबर क्या है, 3.765 है, तो 3.763 3.764 3.765 ये वाला नंबर हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गया। तो 3.76 और 3.77 के बीच में 3.765 आ गया, तो ये हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर एक का आंसर। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। क्वेश्चन नंबर टू है, यह है एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, 4.26 से ऊपर बार लगा है, इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। चलिए ठीक है, एक नंबर लाइन खींचते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये अब देखिए 4.26 है, तो ये किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। हम सीधा बना लेते हैं 4 और 5 के बीच में 4.26 आएगा, तो 4.1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ऐसे ऐसे, जब 4.10 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.26 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो इसको हम जूम करते हैं और जूम करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो 4.2 को हम इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, 4.2 यहाँ, 4.3 इसको बस ऐसे खींच रहे हैं समझने के लिए, कोई जरूरी नहीं। अब देखिए एक नंबर लाइन यहाँ बनाएंगे और इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे 4.2 और इधर लिखेंगे 4.3। ये तीर इसलिए बनाए हैं जिससे कि ये समझ में आए, 4.3 यहाँ आ गया, 4.2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब 4.2 और 4.3 बन गया, अब इसके बीच में कहीं आएगा 4.26। ठीक है, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये क्या हो जाएगा, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.26, ये पॉइंट नहीं, और 4.27 ऐसे आगे भी। तो अब 4.26 के ऊपर बार लगा है, तो 4.26 2626 रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो ये 4.26 है, जब रिपीट होगा फिर 4.26 इसके बाद में आएगा, यहीं बीच में आएगा और 4.27 के पहले आएगा। तो अब फिर से इसको जूम करते हैं, ठीक है, इसको फिर से जूम करते हैं और एक नंबर लाइन फिर बनाते हैं, एक नंबर लाइन फिर बनाते हैं। अब की 4. यहाँ पर 4.26, यहाँ पर 4.27। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 ऐसे आगे। तो अब 4.26 है ये भी। अब जैसे 4.266 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 4.26 हो गया, अब 26 के बाद 4.266 ऐसे रिपीट होगा। तो ये जो है 4.26 और 4.2622 से लेकर के 4.263, इसी के बीच में 4.26 के ऊपर बार, ये अच्छा देखते हैं, 4
0.26666 ऐसे 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 रिपीट होता चला जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो 4.26 यहाँ है, अब 4.26666 रिपीट होगा तो वहीं एक ही जगह पर वो रिपीट होता अनंत तक चला जाएगा, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि 4.262 के बाद और 4.263 के पहले बीच में ही 4.266 रिपीट होगा और यहीं पे ये आ जाएगा 4.26 के ऊपर बार। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पर देखिए रिप्रेजेंट हो गया है। तो ये है पूरा क्वेश्चन, यहाँ से इसका आंसर, यहाँ से 4.2, 4 और 5 खींचेंगे, फिर 4.2 और 3 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच का खींचेंगे, 2.6 और 2.7, फिर यहाँ पे 2.6 और 2.7 के बीच में 2.61, 2.62, 2.63। अब 2.62 और 2.63 के बीच में आएगा, क्यों? क्योंकि ये 6.6.6.6 इसी के आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे ये अनंत तक जा रहा है। तो ये है आंसर आपका। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए। ये यहाँ पर आपकी 4.1 एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट होती है, आपकी कंप्लीट होती है। अब आगे चलेगी एक्सरसाइज 1.5। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।